हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू फर्स्ट पोएम फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट ऑफ 10th क्लास। पोएम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो, कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस पोएम में डस्ट का मतलब है, जैसा कि स्नो के साथ है ये ऐड, तो यहाँ पर धूल नहीं है, इसका मतलब है स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो। ये जो पोएम है हमारी, ये पोएम 8 लाइन की पोएम है, बहुत छोटी सी पोएम है लेकिन है बहुत प्यारी सी। ये उन लोगों को सीख दे रही है जो सुपरस्टिशंस यानी अंधविश्वासों में बिलीव करते हैं। यहाँ पर कवि ने थोड़ी सी आयरनी भी दिखाई है। आयरनी मीन्स विरोधाभास, जैसा हम सोचते हैं वो वास्तव में नहीं होता है। जैसे इस पोएम में कौवा है और एक हेमलॉक ट्री है, जो कि बैड थिंग माने जाते हैं, एक तरह से असगुण माने जाते हैं, नेगेटिव करेक्टर हैं, इसे बहुत ही ज़्यादा बुरा समझा जाता है किसी काम में लेकर। उसी तरह से जैसे और भी सुपरस्टिशंस हैं, जैसे बिल्ली कभी कभी रास्ता काट जाती है या क्रो किसी के ऊपर बैठ जाता है तो सोचते हैं कि पूरा दिन ख़राब हो गया। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो है सिंबल ऑफ डेथ मानी जाती हैं। लेकिन यहाँ पर जो पोएट है, इन सभी को पॉजिटिव करेक्टर बताता है, क्योंकि उसने कहा है कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये तो पार्ट्स ऑफ नेचर हैं। अतः यहाँ पर एक प्रकार से कवि सुपरस्टिशंस यानी अंधविश्वासों पर ओवरकम होने का भी हमें मैसेज दे रहा है। तो लेट अस स्टार्ट द पोएम। दिस इज़ द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम। द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। यहाँ पर जो पोएट है वो डिप्रेसिव मूड में है, वो आगे डिस्कस होगा, आगे जो नेक्स्ट स्टैंजा है उससे पूरी तरह से क्लियर होगा। तो जो इसमें क्रो का और हेमलॉक ट्री का जो डिस्कस दिया है, ये मैंने पहले भी बताया है कि ये दोनों ही चीज़ें बैड थिंग हैं, बैड थिंग अशगुन मानी जाती हैं, है ना। तो एक क्रो है जो एक हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री, उस पर वो बैठा हुआ है और शायद उस पर बैठ कर के या तो उसने कोई मूवमेंट किया हो, ये उसमें डिस्कस नहीं है। तो उस पर जो पेड़ के ऊपर जो उनके पत्तों पर जमी हुई बर्फ़ के पार्टिकल्स हैं वो उसने मेरे ऊपर गिरा दिए हैं। आगे देखते हैं अगले स्टैंजा में। नेक्स्ट स्टैंजा, हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड र्यूड। र्यूड मीन्स होता है एक तरह से शोक करना, दुखी होना। तो यहाँ पर जैसे ही बर्फ़ की कड़ पोएट के ऊपर गिरते हैं तो कवि कहता है कि जैसे ही ये जो कड़ हैं वो मेरे ऊपर गिरे तो इसने हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। इसने जो मेरा जो दिल है, हार्ट मीन्स दिल और दिमाग, तो उसने जो मेरा दिल है वो जो उदास था वो पूरी तरह से चेंज कर दिया, मीन्स मेरा मूड पूरी तरह से उसने बदल दिया। वैसे तो ये कहा जाता है कि जैसे क्रो है या हेमलॉक ट्री है, ये मतलब ठीक चीज़ नहीं है, बैड थिंग है, इससे होने से हमारा काम गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कवि कहता है कि इससे तो क्या हुआ कि इसने तो मेरे को बिल्कुल चेंज ही कर दिया, क्योंकि एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड र्यूड। अब इससे क्लियर हो रहा है, इससे पहले कवि दुखी था, है ना। तो उसने कहा है कि वह कहता है कि इसने तो क्या कि सेव्ड सम पार्ट, उसने तो सेव कर दिया मींस एस्केप कर दिया मींस बचा लिया जो मेरा
दिन बेकार जा रहा था, जो मैं दुखी बैठा हुआ था, दुखी जा रहा था मेरा दिन, उसने मेरा दिन, जो बचा हुआ समय है, उसने मेरा बचा लिया, मीन्स सेव कर दिया। यदि वो ना आता, मीन्स अगर पार्टिकल्स ऑफ स्नो मेरे ऊपर ना गिरती, तो शायद मैं अभी भी दुखी ही रहता। इसके गिरने से मैं एकदम से क्या हुआ, रिफ्रेश हो गया। तो बच्चों, इस पोएम से आपने ये नोटिस किया होगा कि ये जो क्रो और हेमलेक ट्री जो अशुभ माने जाते हैं, और उन्हीं की वजह से उसका पोएट का जो है मूड भी ठीक हो गया। तो ये क्लियर हो रहा है कि ये पूरी तरह से ये हमें सुपरस्टिशंस पर बिलीव नहीं करना चाहिए, है ना। तो इस पोएम में जो है हम देखते हैं कि जो पोएट है हमें ये मैसेज भी देता है कि वन शुड होप फॉर द बेस्ट इवन इन द वर्स्ट। कहने का मतलब है कि हर किसी के लिए ये उम्मीद करनी चाहिए, मतलब ख़राब से ख़राब दिनों में भी हमें अच्छे होने की उम्मीद करनी चाहिए। जैसे लाइक अ नेगेटिव एंड नेगेटिव मिक्स पॉजिटिव इन मैथमेटिक्स, जैसे हम कहते हैं ना मैथमेटिक्स में नेगेटिव प्लस नेगेटिव मिलके क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। सिमिलरली इन आवर लाइफ वी कैन एन्जॉय इन आवर वर्स्ट टाइम। क्लियर हो रहा होगा, आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेल दिस पोएम। ओके।